मैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं, ऋषि मुनियों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, साथियों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं। आज हमें एक बात समझनी पड़ेगी, भारत के अंदर अनेकों पार्टियां हैं, भारत के अंदर अनेकों धर्म हैं, भारत के अंदर हजारों जातियां हैं, भारत में अनेकों संस्कृतियां हैं, भारत में अनेकों भाषाएं हैं, भारत एक विविधताओं से भरा देश है और भारत में आज अगर हम बात करें तो एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों ने अपने अपने लक्ष्य तय किए हैं, दोनों ही लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि वो अपने दोस्तों को दुनिया में सबसे अमीर बनाएंगे, दुनिया में नंबर एक अमीर आदमी बनाएंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने एक लक्ष्य तय किया कि वो भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाएंगे। दोनों ही लोग अपने अपने लक्ष्य में लगे हैं। अब से 7 साल पहले अडानी जी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 208वें नंबर पर आते थे, लेकिन मोदी जी की मेहरबानी से, मोदी जी की मदद से पिछले 7-8 साल के अंदर अडानी जी दुनिया में 208वें नंबर से आगे बढ़ते हुए अमीरों की लिस्ट में दुनिया में 3रे नंबर पर आ गए। चूंकि ये मोदी जी का लक्ष्य था अपने देश को दुनिया में अमीरों में नंबर एक पे पहुंचाना, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने संकल्प किया है कि वो पूरे भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाएंगे। तो भारत दुनिया का नंबर एक देश बनेगा कैसे? भारत में विषमताएं खत्म कैसे होंगी? एक तरफ एक ऐसी पार्टी सत्ता के अंदर है जिसके लोग देश में जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं, जिसके लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश से गरीबी कैसे खत्म हो, गरीबों से गरीब के बच्चों को भी सरकारी खर्चे पर दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा कैसे मिले, देश के लोगों को सरकारी खर्चे पर बढ़िया से बढ़िया इलाज कैसे मिले, देश में कोई भी भूखा ना सोए, देश में कुपोषण खत्म हो, देश में सबको रोजगार मिले, देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत खत्म हो, देश के लोग आपस में प्यार करना शुरू कर दें, देश में शांति कायम हो और देश दोबारा से दुनिया में विश्व गुरु बन के दुनिया का नंबर एक देश बने। अब आपको तय करना पड़ेगा, अगर हम अब से 8 साल पीछे जाएं तो मोदी जी ने देश के लोग 15 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख तो दूर की बात है,
किसी के अकाउंट में क्या 15 रुपए भी आए? नहीं आए ना। काला धन भारत में वापस आया या और ज्यादा बढ़ गया? अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं, दुनिया के अंदर जितना काला धन भारत के लोगों का पहले था, वो अब 8 साल के मोदी जी के कार्यकाल में 1.5 गुना और ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो झूठे लोग हैं। बात कर रहे थे काले धन को वापस लाने की, लेकिन काला धन वापस आने की बजाय और ज्यादा काला धन बढ़ गया। इन्होंने कहा था ये महंगाई खत्म करेंगे, इन्होंने कहा था ये पेट्रोल और डीजल 30 रुपए लीटर देंगे, इन्होंने महंगाई कम की या और ज्यादा बढ़ा दी? और ज्यादा बढ़ा दी ना। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। ईमानदारी से बताइए सब लोग, आपके दिन अच्छे आए हैं या और बुरे हो गए? और भी ज्यादा बुरे हो गए। हाथ उठा के दोनों, और ज्यादा बुरे हो गए। तो भाई अच्छे दिन तो ला नहीं पाए, लेकिन मोदी जी ने लोगों के रोजगार जरूर छीन लिए। वो नोटबंदी लेकर आए और नोटबंदी लाते हुए उन्होंने कहा था इससे भारत में ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, इससे भारत में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ब्लैक मनी खत्म हुई? क्या यह आतंकवाद खत्म हुआ? तो फिर ये नोटबंदी किसने की थी? नोटबंदी खत्म करने के बाद जो नए नोट छपे, नए नोट छपने पर 9 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ, पर पूरा का पूरा जो नोटबंदी में जितना धन बैंकों में लाने की बात की थी, उससे ज्यादा धन तो वापस चौपट हो गए, लोगों के रोजगार चले गए, सैकड़ों लोग लाइन में लग के मार्केट भी ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, लेकिन हम बताते हैं नोटबंदी से फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नोटबंदी से नुकसान जरूर हुआ। लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लगकर लोगों की जान चली गई, और देश के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास रुक गया। अरे आप याद करो, एक टीवी पर इंडिया टुडे पर, इंडिया टीवी पर रजत शर्मा का एक शो आता है आपकी अदालत। आपकी अदालत में आपने देखा होगा एक लाला रामदेव जी, वो जनता से कह रहे थे आपकी अदालत में रजत शर्मा को जवाब देते हुए कि भाई आप लोगों को 30 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? सबने कहा चाहिए। तो भैया फिर वोट दे के मोदी जी को जिता दो। जनता ने भरोसा किया और वोट दे के जिता दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 8 साल होने के बाद जो पेट्रोल उस वक्त 62 रुपए लीटर था, वो पेट्रोल तो 100 रुपए से भी ऊपर चला गया, कभी 30 रुपए लीटर होगा या नहीं होगा? ऐसे झूठ बोलने वाले लोग अब उनका सब बेनकाब हो गए, सबको उनकी सच्चाई पता लग गई। तो एक तरफ इनका झूठ का मॉडल है, फेंकू तो फेंकने का काम करता है, झूठ बोलने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। एक ऐसी सरकार है जो देश की जनता के साथ धोखा कर रही है, देश की जनता के साथ छल कर रही है, जिसने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी शिक्षा नीति लागू की कि पहले देश की सरकारों ने तय किया था कि देश के हर गांव में स्कूल खोलेंगे ताकि लोगों को अपने घर के पास ही स्कूल मिल जाए, लेकिन आज एक ये सरकार है जो देश के अंदर स्कूल बंद करती जा रही है, सरकारी स्कूल बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूल खुलवा रही है। आप जरा सोच के देखो, जब भारत आजाद हुआ तो सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, चाहे अमीर के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चे हों, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और सबको एक जैसी शिक्षा मिलती थी। उसका फायदा ये था कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा उन सरकारी स्कूलों से पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर जज कलेक्टर बनने लगा। इन लोगों को तकलीफ हो गई, इन्होंने सोचा कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर जज कलेक्टर बन जाएंगे तो इनके खेतों में और इनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे? इन लोगों ने एक साजिश रची, धीरे धीरे इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया, सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती कम कर दी, सरकारी स्कूलों की स्थिति को खराब कर दिया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, सरकारी स्कूल बंद होते चले गए, और हालात ये हो गए
कि लोगों का सरकारी स्कूलों से विश्वास उठने लगा। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आने लगा वही सोचने लगा कि सरकारी में पढ़ाएंगे तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी करो कैसे भी करो कर्ज करो, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाओ। और प्राइवेट स्कूल में जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं, मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, अगर सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो शहरों के अंदर एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे के पढ़ने के लिए एक महीने में 8 से 10 हज़ार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, इसका मतलब एक माँ बाप को अगर अपने 2 बच्चे पढ़ाने हैं तो 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 से 20 हज़ार रुपया महीना चाहिए। और हमारे देश के अंदर 95% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार की अगर इनकम जोड़ लें तो पूरे परिवार की इनकम 10 हज़ार से 15 हज़ार रुपये के बीच है। इसका मतलब 99% लोग अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी में पढ़ेंगे ना। और सरकारी स्कूलों में इन्होंने पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा, वहाँ पर टीचरों की भर्ती नहीं की जा रही। जिस स्कूल में 100 टीचर चाहिए वहाँ पे 20 टीचर हैं, 25 टीचर हैं, 30 टीचर हैं। तो क्या जहाँ 100 टीचर चाहिए अगर वहाँ केवल 25 टीचर होंगे तो क्या 25 टीचर 100 टीचरों का काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी स्कूलों में मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। वो गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को वो पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे। वो तो गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं, यानी कि गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में जब सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे थे और प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे थे, ऐसे वातावरण में जब पूरे देश के अंदर एक अंधकार का वातावरण छा गया, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, और एक ऐसी सरकार आ गई जिसने एक एक करके भारत सरकार के उपक्रमों को बेचना शुरू कर दिया, भारत का रेलवे बेच दिया, भारत के एयरपोर्ट बेच दिए, भारत की एयर इंडिया बेच दी, भारत के बैंक बेच दिए, भारत की इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, भारत की पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, भारत की गैस कंपनियां बेच दी, एक एक करके भारत सरकार के सारे उपक्रमों को बेच के प्राइवेट कर दिया, अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को अमीर बना दिया और गरीबों को और गरीब बना दिया, और ऊपर से पढ़ाई महंगी कर दी ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ ना पाए। तो इससे जो एक अंधकार का वातावरण पैदा हुआ, लोगों में एक मायूसी छा गई कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ऐसे में आशा की किरण के रूप में, एक उम्मीद के रूप में दिल्ली से अरविंद केजरीवाल निकल कर आए। दिल्ली से आशा की किरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल निकल कर आए और उन्होंने संकल्प किया कि हम दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूलों का इतना बेहतरीन बनाएंगे कि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए और प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी में आ जाए। मैं बड़े गर्व के और गौरव के साथ, खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल दिल्ली के अंदर लगभग 5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कर सरकारी स्कूलों में आ गए। इसका मतलब हो तो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत चाहिए। अरविंद केजरीवाल की नीयत भी ठीक है, अरविंद केजरीवाल के सीने में दिल भी है, और वो दिल गरीबों के लिए धड़कता भी है, वो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए धड़कता भी है। वो केवल बोलते नहीं, देश में अगर विश्वास करने लायक कोई नेता है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने ये भरोसा पैदा किया कि हम जो बोलेंगे जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने का न केवल वादा किया बल्कि उसको पूरा करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे, सारी दवाइयां फ्री होंगी, सारे टेस्ट फ्री होंगे, और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को इतना बेहतरीन बनाएंगे
कि लोगों को इलाज में कोई दिक्कत ना आए, मैं बड़े गौरव और गर्व के साथ आज भरोसे के साथ आपको कह सकता हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने बेहतरीन हो गए हैं, सारा इलाज फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारी दवाइयां फ्री है। पर एक फरिश्ते योजना ऐसी आई कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पहले एक्सीडेंट होने वाले को अगर कोई लेकर अस्पताल जाता था उसको डर लगा रहता था कहीं पुलिस उसी पे केस ना बना दे, ज्यादा पूछताछ करेगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने फरिश्ते योजना बनाकर एक ऐसी योजना बनाई कि जो भी किसी एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा उसको दिल्ली का फरिश्ते मानते हुए 2,500 रुपये का इनाम मिलेगा और उसे कोई पूछताछ नहीं होगी। और उस पीड़ित व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बढ़िया से बढ़िया जो भी नज़दीक का अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हो इलाज में, पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। हमने ये कर दिखाया, हमने जो वादा किया सारे के सारे वादे हमने पूरे करके दिखा दिए। तो अरविंद केजरीवाल एक भरोसे का नाम है, अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद का नाम है, अरविंद केजरीवाल एक विश्वास का नाम है। आज दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं, आज दिल्ली के अंदर किसी को ये चिंता नहीं है कि वो गरीब है उसके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आज दिल्ली के अंदर किसी को ये चिंता नहीं है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, आज दिल्ली के अंदर किसी को ये चिंता नहीं है कि अगर अचानक बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ गया तो उसका कैसे भरेगा। 300 यूनिट 200 यूनिट बिल्कुल फ्री है और 200 से 400 तक 50% माफ है। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, उनको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है, उनको पानी का बिल देने की जरूरत नहीं है, उनको इलाज पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको बच्चे की पढ़ाई पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जब बच्चा 12वीं करता है और बच्चा सपने देखता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है, तो आजकल जज बनना है, तो बिना कोचिंग के बच्चे पास नहीं होते और कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है। तो जब बच्चे सोचते थे, उनके माँ बाप सोचते थे कि महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को कोचिंग के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, ऐसे में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग, रेलवे की कोचिंग, तमाम तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग दिल्ली के जाने माने इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट करने का इंतजाम किया। आज बच्चों की कोचिंग का खर्चा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उठा रही है और 2,500 रुपया उनको हर महीने स्टाइपेंड भी दे रही है ताकि आने जाने का किराया भी निकल आए, किताब कॉपी का खर्चा भी निकल कर आए। तो ऐसी ऐसी सरकार जो जनता की, जनता के लिए जनता द्वारा सरकार है, ये जो प्रजातंत्र की जो डेफिनेशन है, ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को अगर किसी ने साकार किया है तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ने साकार किया है। वरना केंद्र के अंदर एक ऐसी झूठी सरकार है, ऐसी गूंगी और बहरी सरकार है जिन्हें, जिसको गरीबों का दर्द दिखाई नहीं देता, जिसको किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता, जिसको दलितों पिछड़ों आदिवासियों का दर्द दिखाई नहीं देता, जिसके कार्यकाल के अंदर नफरत बढ़ी है, जाति धर्म के नाम पर उन्माद बढ़ा है और उन्माद पैदा करने वाले लोगों के हौसले बढ़े हैं। ऐसे लोगों के हौसले तोड़ने का अब समय आ गया है। भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाना है तो भारत के अंदर से अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को, अपने अंदर फैले हुए धर्म के नाम पे नफरत को खत्म करके हम सबको भारतवासी बनना पड़ेगा, हम सबको भारत से प्यार करना पड़ेगा, हम सबको तिरंगे से प्यार करना पड़ेगा, हम सबको भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची आस्था रखनी पड़ेगी। जब हम करेंगे का वातावरण नहीं चाहिए, हमें कोई बंटवारा नहीं चाहिए, ना हमें जाति के नाम पे बंटवारा चाहिए, ना हमें धर्म के नाम पे बंटवारा चाहिए, हमें तो एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें जो भारत खुशहाल हो, जिसमें सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हो, जिसमें कोई भूखा ना रहे, जिसमें कोई कुपोषण का शिकार ना रहे, जिसमें कोई इलाज के अभाव में मरे ना, जिसमें कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। हमें वंचितों को, हमें दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों सभी को बिना किसी पक्षपात के सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का रास्ता बनाना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत मौके में था और उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था,
उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में, भारत की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में दुनिया से लोग पढ़ने आया करते थे। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर थी। लेकिन आज जिस तरह भारत में नफरत का वातावरण राजनीतिक लोगों ने पैदा किया, समाज को बांट दिया, इससे भारत पिछड़ गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सपना देखा है कि मैं भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाऊंगा, जो उन्होंने गारंटियां दी हैं, आप भरोसा कीजिए, अरविंद केजरीवाल एक विश्वास और भरोसे का नाम है। एक एक गारंटी को हम पूरा करेंगे। वो गारंटी मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हमारी एक बहन ने वो सारी गारंटियां बता दी है। मैं अपने भाषण को और लंबा नहीं करूंगा कि मैं भी वही सारी बातें दोहराऊं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करो। अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद की किरण है, एक आशा की किरण है, एक भरोसे का नाम है। वास्तव में वो भारत को नंबर एक बनाने का केवल सपना नहीं देखते, उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक बहुत विस्तृत रणनीति बनाई है। विद्वानों से बात करके, पूरी चर्चा करके, पूरा अध्ययन करके एक ऐसी योजना बनाई है जो तय समय में भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाएगी। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने अंदर अनुशासन पैदा करो, क्योंकि जिसके अंदर अनुशासन नहीं होता, जिसके अंदर आपस में प्यार नहीं होता, जिसमें अंदर बिखराव होता है, जो टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ऐसे लोग कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको जीत हासिल करनी है, अगर भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाना है, अगर अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को साकार करना है, तो हम अपने अंदर से नफरत का भाव खत्म करके आपस में प्यार पैदा करेंगे और एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करेंगे, ताकि अरविंद केजरीवाल जी का भारत को नंबर एक बनाने का सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और ये सपना जरूर पूरा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।